उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर शहीदों को याद किया गया। उप जिलाधिकारी उत्तराखंड, आंदोलनकारी और विभिन्न संगठनों ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया, उत्तराखंड आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी और निराश्रित विधवाओं को जो है गृह कर में छूट दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर भी विवाद हुआ। हमारा जो राज्य स्थापना दिवस की आज हम 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि आज उत्तराखंड अपनी जवानी की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो हमारे इस प्रदेश के लोग हैं उनको धीरे धीरे अब लगने लगा है कि हाँ, हमारा जो उत्तराखंड है वो प्रगति के पथ पे है, क्योंकि हमारे जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के द्वारा जो उत्तराखंड को 21वीं सदी में पूरे देश में नंबर वन पे पहुँचने का जो लक्ष्य रखा गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड इस देश का सर्वोपरि प्रदेश होगा। जैसा कि आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है, सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में नगरपालिका परिषद खटीमा द्वारा हमारे क्षेत्र में निवासरत समस्त राज्य आंदोलनकारी को गृह कर में छूट दी गई है, जिसका पालिका बोर्ड में प्रस्ताव किया जा रहा है। इसी के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित नगरपालिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनको गृह कर माफ किया गया है, तथा ऐसी निराश्रित विधवाएं जिनके कोई पुत्र नहीं है और कमाने वाला कोई नहीं परिवार में, ऐसी विधवा महिलाओं के लिए भी गृह कर में छूट प्रदान की गई। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सारे उत्तराखंड वासियों को बधाई देता हूँ और नमन करता हूँ उन सब अमर शहीदों को जिन्होंने हमारे राज्य को बनाने में बड़ा योगदान दिया। राज खंडकारा द्वारा और हमारे नगर पालिका द्वारा और हमारे जितने भी सेवक लोग हैं यहाँ के प्रतिमा के, उन्होंने यहाँ उनको सुमन अर्पित किए हैं और मैं सब आप लोगों को बधाई।